आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधु, इस प्रकार से उस कुरुक्षेत्र में 14वें दिन का जो युद्ध था वो दिन को भी हुआ और रात भर भी चला। अब 15वां दिन उदय हो गया। तब 15वें दिन दुर्योधन ने क्या किया कि गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया और गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज ने अपनी सेना को सजा लिया। सेना को सजा करके उसके दो भाग किए और दोनों तरफ से पांडव सेना को घेर लिया। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग महारथियों का अपने अपने बराबरी वालों से युद्ध प्रारंभ हो गया। गुरु द्रोणाचार्य के बल और पौरुष को देखिए, अकेले ही राजा विराट, राजा द्रौपद और राजा द्रौपद के तीन पुत्रों से गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज अकेले ही युद्ध करने लगे। वे इन पांचों योद्धाओं के ऊपर इतने भारी हुए कि साक्षात उनके लिए यमराज जैसे ही प्रतीत हो रहे थे। और हुआ भी यही, गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज ने राजा विराट का वध कर दिया, द्रुपद का वध कर दिया और द्रुपद के तीनों पुत्रों को भी उन्होंने मार डाला। इसके बाद भी दुर्योधन को शांति प्राप्त नहीं हुई। वो वहीं युद्ध क्षेत्र में गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज के चरण कमल उसने पकड़ लिए। गुरु जी, आज तो चाहे कुछ भी हो, पांडव सेना का विनाश होना ही चाहिए। तब गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज कहने लगे कि देखो दुर्योधन, मैंने राजा विराट और राजा द्रुपद जैसे दो महारथियों का आज वध कर दिया, फिर भी तुम्हें शांति नहीं है। तब ठीक है, तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए आज मैं यह भी कर लेता हूँ कि चलो पांडवों की सारी सेना का आज मैं वध कर ही देता हूँ। ऐसा विचार कर और यह कहते हुए गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। बड़ा ही गजब हो गया। चारों तरफ नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। पांडवों की सेना घबरा गई और जो द्रौपदी के पांच पुत्र जो युद्ध कर रहे थे वे डर करके अर्जुन के पास में पहुंच गए। कहने लगे कि तात देखिए, यह कौन सी बड़ी भारी विपदा चली आ रही है, इससे हमारी रक्षा करो। तब अर्जुन ने अपना जो स्वयं का ब्रह्मास्त्र था उसका प्रयोग किया। तो ब्रह्मास्त्र एक दूसरे को देख करके और शांत हो गए। इस प्रकार से अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज के द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। तब आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज भीम से कहने लगे कि भीम सुनो, जब तक गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज जीवित हैं तब तक पांडवी सेना में ऐसा कोई भी वीर नहीं है जो कौरवों को हरा सके। अकेले ही गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज समस्त सेनाओं का वध करने में सक्षम हैं। कोई ऐसा उपाय करो कि जिस उपाय के करने से गुरु महाराज इस युद्ध क्षेत्र से हट जाएं। तब भीम कहने लगे कि प्रभु, वो कौन सा उपाय है जिसके करने से गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज युद्ध क्षेत्र से हट सकते हैं। तो कृष्णचंद्र जी महाराज कहने लगे कि सुनो, इस समय एक अफवाह फैला दो
कैसी? कि अश्वस्थामा मारा गया। अब अश्वस्थामा आज मरेगा तो सही, तुम्हारे हाथों अश्वस्थामा मरेगा तो सही, पर कौन सा अश्वस्थामा? जो उज्जैन नरेश का जो हाथी कौरवों की तरफ से लड़ रहा है, उस हाथी का नाम भी अश्वस्थामा है। तो तुम उस उज्जैन नरेश के हाथी अश्वस्थामा का वध कर दो। और गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज के पास में आकर के दोनों हाथ उठा करके जोर जोर से चिल्लाने लगना, अश्वस्थामा मारा गया, अश्वस्थामा मारा गया। भीम ने वैसा ही किया। जो अवंतिकापुरी के राजा का जो हाथी जिसका नाम अश्वस्थामा था, वह कौरवों की तरफ से लड़ रहा था। भीम ने जाकर उसकी सूंड को अपने हाथ में पकड़ा और ऐसा घुमाया कि उठाकर पृथ्वी के ऊपर पटक दिया। उस अश्वस्थामा नाम के हाथी का प्राणांत हो गया। उसका वध करके भीम दौड़ लगाते हुए गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज के पास में आकर बड़ी जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, अश्वस्थामा मारा गया, अश्वस्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज भीम की इस प्रकार की वाणी को सुनकर के बड़े व्यथित हुए और उन्होंने युधिष्ठिर से जाकर के पूछा कि पुत्र सत्य बताओ, कौन सा अश्वस्थामा मारा गया है? क्या भीम यह सत्य कह रहा है कि अश्वस्थामा मारा गया? और अश्वस्थामा मारा गया तो कौन सा अश्वस्थामा मारा गया है, मुझे बताइए। तब धर्मराज ने भी कहा कि गुरुदेव, अश्वस्थामा मारा गया नरो व कुंजरो। ऐसा धर्मराज युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज से कहा। तो जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि नरो, यहाँ पर थोड़ा सा वो रुके और आगे फिर उन्होंने कहा कि वा कुंजरो। तो जब उन्होंने वा कुंजरो कहा, उसी समय कृष्णचंद्र जी भगवान ने और भीम ने अपना विजय शंख बजा दिया। अब वह जो उनका अंतिम शब्द था वा कुंजरो, वह शंख की ध्वनि में गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज सुन नहीं सके। अब यहाँ पर क्या हुआ? चाहे कुछ भी हो, धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ पर असत्य का सहारा तो ले ही लिया। पहले धर्मराज युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी से 4 उंगल ऊपर चलता था। जब उन्होंने ये इतना झूठ बोला कि नरो व कुंजरो, यद्यपि यह पूर्ण रूप से झूठ नहीं है, लेकिन गुरु से किया गया कपट तो था ही। इस कपट व्यवहार के कारण धर्मराज युधिष्ठिर का रथ जो था, वो 4 उंगल जो पहले ऊपर चलता था, वो पृथ्वी के ऊपर आ गया। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम जी की।